जय हिंद। रिएक्शन चटनी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम मोदक और काफ़ी महीनों के बाद मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक मेरे को लगा कि नहीं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये वीडियो मेरे को बनाना काफ़ी ज़रूरी है। सो मैं आज इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश और हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में भी मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में उन सभी स्टूडेंटों को जो कहते हैं कि नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, भाई स्टूडेंट तू नहीं है, तू चूतिया है, ठीक है, तू स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। अगर स्टूडेंट तू है तो हाथ में तू अपना बांग्लादेश का झंडा की जगह क्या लहरा रहा है वो थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा देख कि तू क्या लहरा रहा है, ठीक है। हम लोग में इतना तमीज़ रहता है कि रास्ते में जब हम चलते हैं ना और इस तरह का दुकान वगैरह आता है ना, तो हम लोग उधर ताकते तक नहीं है, तू लहरा रहा है। तो तू सोच तू क्या लहरा रहा है, तू लहरा रहा अपना देश का इज्जत लहरा रहा भाई, समझा। सो बांग्लादेश में जो एंटी हिंदू, एंटी इंडियन, एंटी मोदी जी, एंटी इंडियन गवर्नमेंट के विरोध में जो तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा पड़ा है या फिर जो भर रहा है ना, तो मैं तुम्हें कुछ टॉपिक बता रहा हूँ। अगर इंडिया नहीं होता और इंदिरा गांधी जी नहीं होते ना, तो तुम आज क्या करते पता है? पाकिस्तान में रहते और उनका गू साफ करते, तोरा साला पॉटी परिष्कार करती सोदर, ठीक है जी। इंदिरा गांधी के लिए ही जो है तुम लोगों को एक अलग सा देश मिला और तुम साला नाच रहे हो, हिंदुओं पर टॉर्चर कर रहे हो। ये मत बोलो जो साइन करवाने वाला जो व्यक्ति था ना, वो पंजाबी था, वो हमारा भारतीय था, वो एक सिख था। और जो सोल्जर ने लड़ा था ना वहाँ पे, जिस आर्मी को इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था तुम्हारे लिए, वो हिंदू थे। तो उस हिंदू के रहम करम पे ही तुम लोग जी रहे हो आज, जो नाच रहे हो, कूद रहे हो, लहरा रहे हो ना, वो एक हिंदू का ही देन है और वो भारत सरकार का ही देन है, इंडियन का ही देन है, जिसमें लाखों लोग मारे भी गए थे, ठीक है, ये चीज को मत भूलो। और सेकेंड टाइम तुम लोग जो बचे हो वो पता है कब बचे हो? कोविड में, जो तो एक छोटा सा जिसको तुम देख भी नहीं पा रहे थे ना, वही पेल के चला जाता तुम्हें, आधी आबादी तुम्हारी वहीं ख़त्म हो जाती। तो ये मत सोचो, जो तुम एम्बुलेंस को तोड़ रहे हो, भारत झंडा, भारत ने जो एम्बुलेंस तुम्हें दिया था उसको तोड़ रहे हो, क्या फ़ायदा भाई, तोड़ दिए तोड़ दो, हमारे रोड के किनारे ऐसे एम्बुलेंस पड़े हुए रहते हैं, हम फिर खरीदते हैं। हम भिखारी नहीं है भाई, हम लोग, तुम भिखारी हो सकते, हम लोग भिखारी नहीं है। अब तो तुम तो आगे बढ़ रहे थे, चलो तुम्हें लोग देख के थोड़ा सा चंदा भी दे रहे थे, अब तो तुम ऐसा करके तुम्हें लोग चंदा भी देना बंद कर देंगे, ठीक है, चंदा भी देना तुम्हें बंद कर देंगे। मेरे एक अपील है भारत सरकार से कि आप पहले पता करो कि कौन कौन है जो भारत में रहकर अभी भी भारतीय नहीं बन पाए हैं। मेरी उम्मीद से वो लोग जो है अपना टाइटल बदल कर यहाँ रह रहे हैं, जो मेरे को अनुमान है और मैंने जो देखा है व्यक्तिगत रूप से वेस्ट बंगाल में और भी बहुत जगह पर, मैंने देखा कि बहुत कोई ऐसे जो सरकार है, विश्वास है, इस तरह के टाइटल, राय चौधरी है और भी बहुत सारे टाइटल है, इस तरह के टाइटल को यूज़ करके वो रह रहे हैं, लेकिन वो आज भी वो भारतीय नहीं बन पाए हैं। और ये सारे लोग वही लोग हैं जो बांग्लादेश से यहाँ पे आकर भागे के आए हुए थे, किसी का दादाजी, किसी का पापा, किसी का पिताजी, ये लोग जो है ना, ये लोग भाग के भारत में आए थे और यहाँ बस गए हैं, कचड़ा चुनने में, मछली बेचने में, मुर्गा काटने में, टोटो चलाने में, रिक्शा चलाने में, चलाते चलाते आजकल ये लोग थोड़ा सा पैसा वैसा कमा लिए भाई, भारत सरकार भी तो है, इन लोग का राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट सब बन के ये लोग तैयार है भाई, ये लोग पूरी तरह से इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर चुके हैं, भारत में रह रहे, लाभ उठा रहे, दिल तो उनका पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ही अभी तक है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तब इनका ट्वीट जा रहा था, और अभी जब जो प्रॉब्लम हो रहा है हिंदुओं के साथ, इनका एक भी ट्वीट नहीं है, एक भी ट्वीट नहीं है इनका, ठीक है, एक भी ट्वीट इनका नहीं है। तो मैं क्या कहूँ इनको, तो भारत सरकार को देखना चाहिए कि जो लोग हैं CA NRC लगाने का, ये सबसे अच्छा वक्त है। आप जो चीज़ सबको समझा रहे थे इतने दिन से कि अगर नहीं लगता तो ऐसा होता, वहाँ पर इन लोगों को जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, इन लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, इनकी संपत्ति को लूटा जाता है, लूटा जा रहा है, आप समझा रहे थे, आज ये पूरी दुनिया के सामने, आप इसको लागू करो। आपको हमने बैठाया, आपको हमने चूज़ किया, आपको हमने वोट दिया इसलिए ताकि आप सुनो इस बात को। ये चीज़ आप मत करो कि लोगों के माइंड में ये चीज़ सेट मत करो आप लेट करके कि देखो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही पार्टी सोचती, वो है BJP, थोड़ा मरने देते हैं, थोड़ा इन लोगों को मारने देते हैं, तब थोड़ा डर बनेगा हिंदूज के मन में कि देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, देख रहे हो ना,
ये चीज़ मत कीजिए आप, वहाँ पे जो है वो हमारा भाई है। एक इंसान मरता है न्यूज़ नहीं बनता, 10 इंसान मरता तो थोड़ा सा न्यूज़ बनता, 100 बनता तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनता। ये चीज़ हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि, हम चाहते हैं कि एक भी लोग ना मरे, एक खड़ोस तक ना आए। इसराइल के पैटर्न पर आप काम कीजिए, हमारा नागरिक है, कहीं पर भी है उसके साथ कुछ होगा, मारो साले को। अरे एक बांग्लादेश एक पिद्दी सा देश, उस देश को अगर हम सब लोग मिल के बॉर्डर पे जाके मुंह दे तो वो देश में बाढ़ आ जाएगा। पर वो देश हमारे देश को बोल रहा है कि आप हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप ना करें। क्यों नहीं करें भाई, जब आप मेरे लोगों को मारोगे तो इंटरफेयर तो हमको करना ही पड़ेगा। और बीजेपी गवर्नमेंट को इसलिए ही हम लोगों ने दिया है कि आप बोल्ड डिसीजन लो। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम लोग बात करके सोच समझ के करेंगे, ये वक्त बहुत बदल चुका है। इसराइल के पैटर्न पर काम कीजिए आप, बहुत सशक्त है। आप कहते हैं कि नहीं हम GDP में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा मिलिट्री बहुत आगे बढ़ रहा था। आप क्यों रखें 15 अगस्त में 26 जनवरी में उसको शो करने के लिए रखें कि एक रफेल उड़ाइए ऊपर, देखिए जहाँ है, कहाँ है, कौन है, क्या है, क्या नहीं। आप एक बोल्ड डिसीजन लीजिए और उनको देखिए क्या है क्या नहीं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे CNRC लागू करने का सबसे बढ़िया वक्त है ये, मोदी सरकार से मेरा अपील है कि आप जल्द से जल्द से जल्द CA को कृपया करके लागू कीजिए। दिखावा मत कीजिए सर, अब दिखावा करने का वक्त नहीं है, आप इसको लागू कीजिए, हमें आप पे भरोसा है, आप इसको लागू करें जल्द से जल्द।